Hi guys, welcome back to another video of Economics on Your Tips. आज हम बात करने वाले हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इनके बारे में. भाई इनकी बात तो सर कर ही कर ली थी, तो आज क्या नया लाए वो. आज अपन नया लाए हैं नई सीरीज को, यानी कि आज अपन पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट किस तरीके से निकाला जाता है. भाई पहले ही बता दूं, क्वार्टाइल का मतलब पहले बता चुका हूं, कब बताया है, वीडियो नंबर 37 इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स, जाके देख आओ. नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि ये समझ में कम आएगा. पिछली वीडियो में ही मैंने समझा दिया था, तो इसलिए आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे. देखो पहली चीज आप याद रखें, क्वार्टाइल का मतलब कुछ नहीं, मीडियन मतलब क्या होता है, सीरीज को दो हिस्से में तोड़ना. तो आपका एक मीडियन आता है क्योंकि दो हिस्से में टूटी हुई है, तो एक कॉमन पॉइंट है जो दो हिस्से में टूटा. क्वार्टाइल का मतलब सीरीज को चार टुकड़ों में तोड़ना. तो तीन क्वार्टाइल आएंगे, यानी कि तीन अलग अलग मीडियन आ सकते हैं. क्वार्टाइल का मतलब तीन अलग अलग क्वार्टाइल आएंगे, जैसे साधारण भाषा में तीन मीडियन आएंगे. अब हमें क्या करना है, अपन ने डिस्क्रीट सीरीज देख ली, इंडिविजुअल सीरीज देख ली, वहां एज यूजुअल जैसे हम मीडियन निकालते थे वहां एक ही मीडियन होता था. अब यहां क्योंकि क्वार्टाइल है तो तीन क्वार्टाइल निकल सकती थी, हमें दो निकालनी थी Q1 और Q3, तो हमने Q1 और Q3 निकाल ली थी. दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग मीडियन निकाले थे उस सीरीज के. आज भी हमें यही करना है, Q1 और Q3 निकालेंगे. Q1 मतलब फर्स्ट मीडियन ऑफ द सीरीज, Q3 मतलब थर्ड मीडियन ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम अपन Q1 और Q3 फाइंड आउट करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. ध्यान रखिए मीडियन उसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से नॉर्मल निकाला जाता है. द डिफरेंस इज दिस, वहां पे n/2 होता है, यहां n/4 हो जाएगा. इंडिविजुअल सीरीज तक या डिस्क्रीट सीरीज तक क्यूबर निकालने का फॉर्मूला था n+1/4 आइटम, यहां हो जाएगा n/4 आइटम. Q3 निकालने का फॉर्मूला 3 × n+1/4 आइटम था, अब हो जाएगा 3 × n/4 आइटम. ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं Q1, फिर निकालेंगे Q3, देन वी फाइंड आउट ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग. चलो कैसे निकालते हैं भाई मीडियन कंटिन्यूस सीरीज का. हमें यह देखना है कि ये कौन से में आएगा, उसको देखने के लिए क्या निकाला जाता है. कम यू प्ले टिल फ्रीक्वेंसी, 4, 10 और 4, 14 ऐसे करना है, 14 और 5, 29, 49, क्या बात है, अरे 60, ये भी हो गया आपका 60, टोटली 60. एक बार चेकआउट करो, 15, 10 और 10, 20 और 40, 40 और 50 और 1, 60. ठीक, हाँ जी. तो पहले अपन निकालते हैं Q1. Q1 निकालने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा 60 / 4, दैट इज 15th नंबर का आइटम कौन सा. 15th नंबर पे कौन सा खिलाड़ी बैठा हुआ है, यहां देखो 0 से 4 नंबर तक बैठा था ये, 4 से लेकर 14 तक इसके खाते में है, 14 से लेकर 29 नंबर इसके खाते में, 15 नंबर किसके खाते में आएगा, 14 वाले के बाद में आएगा नहीं और 29 वाले से पहले आएगा, यानी कि 14 से 29 के सारे रैंक इस सीरीज के पास पड़े हुए हैं. तो हमारा जो आंसर आएगा या हमारी जो क्वार्टाइल के लिए क्लास है वो ये होगी Q1 के. फिर दिक्कत, सर कितनी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है. दिक्कत ये आ गई है, अब दिक्कत ये आ गई है, क्या दिक्कत है, चलो बताओ क्या दिक्कत है. दिक्कत ये है कि Q1 इज अ नंबर, मीडियन की तरह Q1 भी एक नंबर होगा, बट यहां पे हमारे पास क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल की पूरी क्लास उठ के आ गई है, जैसे मीडियन की कंटिन्यूस सीरीज में आती थी. अब उस कंटिन्यूस सीरीज से बचने के लिए उस पूरी क्लास में से हमें क्या करना पड़ता था, एक नंबर फाइंड आउट करना पड़ता था. यहां पे भी क्योंकि पूरी क्लास उठ के आ गई है, तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी वो एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन कैसे निकाला जाता था, L1 थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि साथ साथ वो भी कर लें, L1 + n/2 - CF / F × I. यहां पे भी वो ही करना है, डिफरेंस हो जाएगा ये, और कोई डिफरेंस नहीं. L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, n/4 आपको पता है, CF मतलब इससे जस्ट ऊपर वाली CF,
फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्या यहाँ पे क्वार्टल क्लास, इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल, यानी कि यहाँ पे आ गया 20। कहाँ बैठा है, वाह, 1/15 × 20 दैट इज 4/3, 4/3, 4/3 को डिवाइड करो जरा, देखो मजे आएंगे तुम्हें, ये जाएगा 1.33333333333333333, चलता जाएगा, तो भैया इतने थ्री को कदर बेचते हैं, हम क्या करते हैं देते थ्री, आप चाहें तो इसको 1.333 इतना भी रहकर छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व आउट कीजिए, 41.34 इज योर Q1। हम अभी जिंदा है, Q1 आ चुका है भाई, क्या आ गया, Q1 आ गया, अब निकालना पड़ेगा Q3। सेम तरीका, सेम स्लॉट, क्या बचपना लगा रखा है सर, वही करना है, 60/4 15 हो गया, तो ये हो गया 45th नंबर का आइटम, कौन सा आइटम, 45 नंबर वाला आइटम को बुलाया जाए, जरा ढूंढो 45 कहां है, वीडियो स्टॉप कीजिए, फाइंड आउट ऑफ Q3, फिर वीडियो चालू करके मैच कर लेना, चलिए 45 नंबर कौन से में आएगा, 29 रैंक इसके पास पड़ा हुआ है, 29 से 39 वाले सारे रैंक इस क्लास में गए हैं, तो यानी 45 नंबर वाला रैंक भी इसी क्लास में होना चाहिए, तो भाई Q3 के लिए कौन सी क्लास आ गई, ये वाली, मिलियन का फॉर्मूला एक और बार लगाया जाएगा, पर अब तीसरे नंबर का निकालना है, इसलिए 3n/4 हो जाएगा, यानी ये वाला, वहां ये था क्या, ये वाला, L1 लोअर लिमिट ऑफ न्यू मॉडल क्वार्टाइल क्लास, 3n/4 अभी निकाला अपन ने, 45 माइनस इससे जस्ट ऊपर वाले की CF 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी इसी की 20, हाँ ठीक है तेरे को भी आ गया, वो भी कहना भाई आ गया उसको, वाह, ओह माय गॉड, ऐसे सवाल कहां बनते हैं जहां ये पूरा कट जाता है, कहां गया, मन बन गया, चलो आज 15 और 1 16, माय गॉड, 76 इज योर Q3, ठीक है, तो Q3 हो गया आपका 76, Q1 क्या आ गया 41.34, भाई इतना आसानी से कैसे आ गया भाई, मैं तो चेक कर ले लू, ठीक है चलो बढ़िया, अच्छी बात है, Q3 आ गया, Q1 आ गया, अब किसका इंतजार है, इंटर क्वार्टाइल निकालिए, 76 माइनस कहां गई 41.34, कम ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भाई, बुरा लग गया होगा इसी बात का, ठीक है ना, सही है ना भाई, डरा मत करो, हाँ जी, Q3 माइनस Q1 14.66 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.33, ठीक है, इसके बाद Q3 माइनस Q1 14.66 अपॉन इन दोनों को जोड़ दीजिए 0.347117 डिवाइड कर लेना, पॉइंट से पॉइंट गया, ये बचा 1466 डिवाइड बाय 1 1 7 3 4, ठीक है ना, निकाल लेना कल तक करके, मुझे आज बता देना, समझ में आ गया भाई, किस तरीके से Q1 निकाला जाता है, किस तरीके से Q3 निकाला जाता है, किस तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आप निकालते हैं, ठीक है, तो मेन मोटिव आपका वहां नहीं है, मेन मोटिव आपका यहां है, यानी कि Q1 और Q3 किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए मूड के साथ, टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स टिप्स, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।